Oh, hello, what up, and what up, and welcome back to a brand new vlog after a long time today. Finally, हम लोग आ चुके हैं दिल्ली एंड मेरी हालत ख़राब हो गई लिटरली. अभी जस्ट मास्क वास्क निकाल के बैग वैग सब अंदर वो तो होटल वालों ने रख दिया था, बट मेरी सच में हालत ख़राब हो गई है. थोड़ा थोड़ा जुकाम था मेरे को एंड मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे कान दुख रहे थे लिटरली. लेफ्ट वाला ईयर तो बहुत ज़्यादा दुख रहा था. एनीवेज, हेलो, व्हाट अप एंड यू गाइस आर वेलकम टू द व्लॉग. बट अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ घूमने नहीं निकला हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर बिजनेस का भी काम है, एक फोटोशूट है वगैरह वगैरह. सो तीन दिन के लिए मैं यहाँ पर हूँ, उसमें से वन एंड हाफ डे के अराउंड कुछ काम है, बाकी का वन एंड हाफ डे मैं फ्री हूँ. बहुत अर्जेंट प्लान हुआ ये, तो मेरे कोई भी फ्रेंड्स मेरे साथ आ नहीं पाए यहाँ पर दिल्ली. यार सब पहले फटाफट थोड़ा फ्रेश होता हूँ मैं यहाँ से. एंड सबसे पहले दिल्ली में आके मेरा मन है खाने का मोमोस. ये कैमरा इतना भारी है कि मेरा हाथ दुखने लगा लिटरली. सो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि फटाफट पहले फ्रेश हो जाऊंगा एंड नहाऊंगा नहीं अभी फिलहाल, बिकॉज मेरे को बहुत भूख लगी एंड फिर बाद में का पहले बाद में करेंगे, बिकॉज ये ट्रिप ऐसा है जिसमें मेरे को जो मन करे मैं करूंगा, जैसा मन करे ऐसा करूंगा. बिकॉज मैं लिटरली लास्ट 20 डेज से मैं लगातार 3 बार स्ट्रीम कर रहा हूँ विदाउट एनी ब्रेक. तो ये वाला ट्रिप मज़ेदार होने वाला है, इसमें जो मेरे को मन करेगा वो मैं करूँगा. मोमोज खाऊंगा, इंडिया गेट रात को घूमना है तो वहाँ जाऊँगा, गुरुद्वारे जाऊँगा, फिर लेट्स सी यार, बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी फटाफट फ्रेश होता हूँ एंड देन आई सी यू गाइस व्हेन आई गो टू ईट मोमोज. ये तो बंद भी नहीं होगा भाई, इतना बड़ा लेंस है ये. एनीवेज, सो लास्ट क्लिप से एक एडिट आ गया. अभी होटल में ही मेरी एक मीटिंग है, बट मेरे को होटल का खाना अच्छा नहीं लगता और मेरे को मोमोज खाने का मन था एज आई सेड. सो मैंने मोमोज ही मंगवा लिए हैं और अभी बज चुके हैं 7:15. ठीक है, मैंने किसी को पूछा नहीं और मैंने घाई घाई में मंगवा लिए, तो मुझे पता नहीं है कैसा है. बट हाँ, एक जगह है जहाँ पर मेरे बहुत फेवरेट है मेरे मोमोज, वहाँ पर मैं खाने जाऊँगा ही जाऊँगा. जब जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा. मेरे को सिर्फ यहाँ पर मेयोनीज आई है और एक चटनी आई है, बट वो मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी. मेरे को रेड वाली चटनी अच्छी लगती है. जिस जगह से ऑर्डर कर रहे हैं उधर रेड वाली चटनी नहीं थी. एनीवेज, थोड़ा ठंडे भी हो गए. वो जो खोलते हैं ना ऐसा इंस्टाग्राम पर, पता है आजकल मेरे को इंस्टाग्राम पर कितने कितने ज़्यादा पोस्ट दिख रहे हैं जिसमें ऐसा मोमोज सब बीच में से तोड़ते हैं. यह पनीर, यह वेजी तंदूरी मोमोज. आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं चिकन मोमोज आर दी बेस्ट, बट मैं चिकन नहीं खाता, सो पनीर खाऊंगा अभी जब जाऊंगा. बहुत मस्त मोमोज है. 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीसीज आए हैं. मोस्टली पूरे दिल्ली व्लॉग होने वाला है खाने पीने के ऊपर, बिकॉज मुझे कहीं घूमने का टाइम ही नहीं मिलने वाला है. हाँ वैसे अब तो मैं पूरा दिन फ्री हूँ, तभी सिर्फ डिनर करना है, वो भी मैं जाऊँगा 8:30, 9:30, 9:30 बजे के पास, बिकॉज इतने में तो पेट नहीं भरेगा. ओह तो बहुत मज़ा आ गया मोमोज खाने के बाद. अभी मैं फटाफट आपको रूम व्यू दिखाता हूँ. सो एज यू गाइस कैन सी, सो अभी जैसे तुम्हारे साथ देख रहे हैं, लुक एट दिस व्यू यार, कितना बढ़िया दिख रहा है ये. ये दो ये जो बड़ी बड़ी टेम्पल्स हैं यहाँ यहाँ ये वाले दो, ये क्या है पता नहीं चल रहा मेरे को, बट बहुत बढ़िया दिख रहा है. कोई दिल्ली वाले तो बताना जरा, ये ली मेरिडियन से ये दो चीज़ें ये क्या है ये, पर बहुत बढ़िया दिख रहा है यार, मज़ा आ गया. मैं रात को है ना इधर मस्त ऐसे सब लाइट्स ऑफ करके कुर्सी लगा कर ऐसा बाहर बैठ के चाय पीऊँगा, ये मेरा मन है. ये लिख लो एक. अब सिया सो मैंने स्नैक्स वगैरह कर लिए है. अब पहले मैं थक गया हूँ तो मैं नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर जब मैं अभी ये नए रेस्टोरेंट की तरफ जाऊँगा तब मैं मिलूँगा सीधा नए कपड़ों में. मैंने अब आज तक वो शर्ट वैसे व्लॉग में नहीं पहना है, सो आई विल वेयर इट एंड देन हम लोग जाएंगे तमाशा सीपी. सीपी में भी रात को घूमने का बहुत मन है, बट मन बहुत सारा है, चीज़ें करनी है हमको. ठीक है, मिलते हैं तैयार होके फटाफट. एनीवेज, सो नाउ आई एम ऑल सेट फॉर टुनाइट्स पार्टी. वी आर गोइंग तमाशा एंड मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग हैं सब तमाशा जा रहे हैं. मैं ट्राई करता हूँ जितने भी वीडियोस में ले पाऊँ वहाँ पर एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फन. मैं व्लॉग नहीं करने वाला बिकॉज वहाँ पर काफ़ी पुराने दोस्त भी हैं, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ. एनीवेज, मिलते हैं तमाशा पे एंड दिस इज आवर. आई एम वेयरिंग दिस शूज, काफ़ी वाइड लेंस है तो तुमको ऑब्वियसली ऑलरेडी दिख गया होगा. सो या मिलते हैं भाई. दादा कल सुबह से मेन व्लॉग चालू होने वाला है.
ओके सो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी मैं जस्ट होटल के अंदर आया हूँ एंड आई डोंट नो, मुझे सच में आज पूरे दिन टाइम नहीं मिला है, बट अभी जस्ट मैं रूम के अंदर आया हूँ पूरे दिन की मीटिंग वगैरह ख़त्म करके, एंड मैंने बहुत थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी है वगैरह वगैरह। एंड आते टाइम मैंने वैसे देखो प्रॉपर लंच तो करा था, प्रॉपर स्नैक भी करा था, तो मैं यहीं कहीं घूम रहा था तो मैंने आलू कचौड़ी देखी कहीं पर, एंड मेरा मन होगा कि चलो आलू कचौड़ी ट्राई करते हैं, तो मैं लेकर आया हूँ आलू कचौड़ी। सो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट करते हैं, एंड आई गेस ये व्लॉग पूरा ज़्यादा से ज़्यादा खाली खाने पीने पे ही बन रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को सच में बहुत मज़ा आ रहा है खाना खाने में। क्या सो ये है हमारी आलू कचौड़ी, ये रही आलू की पूरी सब्जी, और ये है कचौड़ी, और ये एक घंटे पहले आया था और ये अभी भी इतनी ज़्यादा है ना क्रिस्पी है। सो या अभी लेट्स टेस्ट इट। मैंने अच्छे से डुबो दिया उसको अंदर, हियर इज़ द फर्स्ट बाइट। वाह यार वाह, काफ़ी सिंपल रेसिपी है, इतने ज़्यादा स्पाइसेस डाले हैं, इतनी मस्त खट्टी लग रही है, थोड़ी सी तीखी लग रही है, थोड़ी सी टैंगी जैसी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। काफ़ी टाइम आलू को, आलू की सब्जी को उबाला है उन्होंने, एंड इट्स जस्ट 25 रुपीज़ वाला। ओके सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज अपना दिल्ली में आखिरी दिन है, एंड आज मेरा फ्लाइट है अराउंड 4 बजे के आसपास, और अभी बजे हैं सुबह के 9:30। सो वो बहुत भूख लगी है फिलहाल, कल रात को मैंने वहाँ पर देख सकते हो मैंने मैकडी वगैरह खाया था। एनीवेज अभी आई एम गोइंग टू ईट राजमा चावल, बिकॉज मैंने छोले ट्राई कर लिए, मैंने मोमोज ट्राई कर लिए, आई गेस मैंने बताया नहीं आप लोगों को, मैंने पापड़ी चाट ट्राई कर लिया, आलू कचौड़ी ट्राई कर ली, एंड बहुत सारी चीज़ें खा ली मैंने। सो बस अभी यही है कि खाली एक राजमा चावल रह गया, तो यहीं पे मैंने सर्च करा आसपास कुछ जैन राजमा चावल करके एक है, आई डोंट नो अच्छा है कि नहीं, बट मेरा मन कर रहा है, सो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, लेट्स गो ईट राजमा चावल। तो फाइनली कैसे जैसे तैसे मैंने ये सेट करा यहाँ पर, तो बॉयज एंड गर्ल्स ये राजमा चावल सुबह सुबह मैं यहाँ खाने आया हूँ। थोड़े से कच्चे चावल होते हैं ना इतने अच्छे लगते हैं, है भी जिसके कार है वो मेरे को मारे ना, मैं गिराऊंगा नहीं, आई एम अ गुड बॉय। अभी अनलॉक वगैरह करूंगा, इसमें कुछ ऐप वगैरह होता है, वो ऐप वगैरह लेकर ऐप वगैरह से अनलॉक करते हैं कुछ इसको, और फिर वी कैन राइड इट, सो लेट्स सी। मोटा भाई, मैंने घंटी बजा करनी है, हट जाओ भाई, हैवी ड्राइवर आ रहा है, थोड़ा तेज कर लेते हैं गाड़ी। वैसे देखो राइट साइड एक्सेलरेटर है, तो मैं ऐसे व्लॉग नहीं कर सकता बिकॉज एक्सेलरेटर नहीं मार पाऊंगा, तो मजे आ गए भाई, मैं जा रहा हूँ आगे और एक बार। भाई बस बहुत मजा आ रहा है, बट मजा आ गया यार, मजा आ गया यार, दिल्ली का ट्रिप सक्सेसफुल हो गया भाई, इतना सर्दी जुकाम में ये मैंने मीटिंग निकाली है भाई, सभी आज का दिन लग रहा है कि हाँ मैं कुछ एंजॉय कर पाया। चलो वापस जा रहा हूँ मैं, ठीक है, जा रहा है फुल स्पीड में, ठीक है, एकदम फुल वाली स्पीड एकदम, देखो ऐसे बैठते हैं पीछे, अपोजिट रोड चल रहा हूँ, गाड़ियाँ आ रही है, थोड़ा राइट आ जाए, अल्फा क्लैशर प्लीज़। अरे भाई चलो, हाँ सो ये थी हमारी यूलू बाइक्स इन दिल्ली, मज़ा यार काफ़ी स्मूथ है, मेरे को थोड़ा आता नहीं चलाने को बाइक्स वगैरह, फिर भी ठोकते ठोकते बच गया मैं। चलो टाटा, अभी मेरे को जाना है, एयरपोर्ट लेट हो रहा है। सो वॉइस इट इज यूलू राइड के बाद ये मैंने पूरा रूम साफ करा, मैंने बैग पैक कर लिया फाइनली। हाँ तो ये वाला व्यू है देखो, और ये चॉकलेट्स हैं, सॉन्ग सुनते सुनते मस्त मैं एंजॉय करूंगा। किटकैट, ये मेरी फेवरेट मैग्नम कैंडी, और ये अमूल का कूल कोको, और ये व्यू, हाँ, और एक मस्त सा सॉन्ग लगाकर आई विल एंजॉय। सो या हर टाइम मेरे को एयरपोर्ट पे सब निकालना पड़ता है, सब फिर वहाँ पर वापस बैठ गया। Thank you.
A few inches later. अभी जस्ट मैं लैंड करा, फटाफट कोविड टेस्ट हो गया यार, इतना जल्दी कोविड टेस्ट, हार्डली 5 मिनट्स लगे मुझे। एंड सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा कि लोग ने ग्रांटेडली लिया है, हल्का सा खाली एक नाक में डाला एंड इधर डाला एंड दैट वाज इट। एनीवेज अभी अपना बेल्ट भी बेल्ट आ गया है यहाँ पर, सो बेल्ट नंबर 1 पे आने वाला था मैं, थोड़ा लेट हो गया तो शायद मेरा बैग आगे होगा तो मैं ग्राउंड मार गया था, फटाफट पूरा घूम के आ गया। अब निकलेगा तो यहीं से निकलेगा। दूर से पहचान गया, बताओ ये चमकता है दूर से ब्लू वाला। एनीवेज लेट्स गो। ओके तो बॉयज एंड गर्ल्स आर फाइनली आउट ऑफ द एयरपोर्ट। एंड अभी हुआ क्या बताएगा, अभी एक फीमेल स्टार अभी जस्ट यहाँ से बाहर गई पार्किंग लॉट की तरफ। भाई साहब लिटरली जितने भी लोग वहाँ खड़े थे एवरी वन वॉज जस्ट स्टेयरिंग हर, इट वॉज वेरी फनी। सब लोग मतलब एंड तक लिटरली जब तक वो दिख नहीं रही तब तक स्टेयर कर रहे हैं, इट वॉज वेरी फनी देखने के लिए। बाय द वे अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं P6, ठीक है, वहाँ पर ऊबर जोन है, P7 पर जाएंगे, पहुँचते ऊबर बुक करूँगा फोन से, बस एक ही फ्लोर ऊपर है। अभी फिलहाल बजे हैं 9:30, एक मिनट दो अपना दूसरा फ़ोन निकाल कर ऊबर बुक करता हूँ। क्या पागल वागल है क्या, ये ऊबर जोन है भाई, मैं ऊबर जोन में खड़ा हूँ। चैट चैट क्या ऑडियंस बॉयस, मैं ऊबर जोन में खड़ा हूँ। तो हमारे जफर भाई ने फाइनली हमें ढूंढ लिया। छोटी सी एक मेरे से गलती हो गई थी इसमें कि जब मैं एयरपोर्ट से निकला था तभी मुझे ऊबर बुक कर लेनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं करी, तो आप लोग कर लेना ऊबर बुक जब आप निकलोगे तभी एयरपोर्ट के बाहर, सो दैट आप पहुँचते 10 मिनट में आपकी ऊबर भी आ जाए ना। एनीवेज वी आर हेडिंग टू अ रेस्टोरेंट नोन एज जगेट्स, बिकॉज मैं और मिश्रा मतलब हम लोग का अड्डा है, दोस्तों का अड्डा कैसा होता है वैसा अड्डा है। सो या लेट्स सी गाइस देयर इज अ क्विक चेंज इन प्लान। अभी हम लोग जा रहे हैं जिमीज, बिकॉज जिस रेस्टोरेंट में हम लोग जा रहे हैं वो फैमिली रेस्टोरेंट है और वहाँ पर आज संडे है, तो मैं भूल गया कि आज वेटिंग होगी, 45 मिनट्स की वेटिंग है। अब मैं जिमीज बर्गर जा रहा हूँ, आज भी संडे है, जिमीज बर्गर इज़ वन ऑफ दी बेस्ट कैफेज फॉर बर्गर्स, एंड मैंने वहाँ पर कॉल करके पूछ लेना चाहिए, बट एनीवेज लेट्स रिस्क, देखते हैं। अगर जिमीज फ्री नहीं हुआ बिल्कुल पर्शियन दरबार उसके जो सामने ही है, ये सब तीन है रेस्टोरेंट जो हमारे अपने रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब अपन कभी भी जा सकते हैं। एंड हम लोग जिमीज जाते हैं तो मेक श्योर अगर आप लोग में से कोई भी जिमीज जाता है तो यू गाइस ऑर्डर पीच आइस टी। एंड अभी फिलहाल मिश्रा भी पहुंच रहा है जिमीज। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मिश्रा को और तुम्हारा ऐसा कैसा अच्छा बॉन्डिंग है, तो बस इतना ही बताना है कि यार देखो मैंने और मिश्रा ने हम दोनों ने एक दूसरे को मतलब एकदम नीचे से लेकर ऊपर आते हुए देखा है, इतनी तब से मतलब लिटरली तब से हम लोग एक साथ घूमते हैं खाते हैं एंड तब से फ्रेंडशिप चल रही है, तो यार मतलब बॉन्डिंग बन जाती है इतने टाइम बाद। एंड मतलब जब से अभी फ़िलहाल मैं बात करूँ ना यार, तो हम लोग अपने अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि लिटरली 2 हफ्तों में एक बार भी मिलना नहीं होता अभी, सो इसीलिए ऐसे अर्जेंटली कभी भी प्लान बन जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ, बिकॉज गिने चुने यार 2-3 दोस्त हैं मेरे, उनसे भी अगर नहीं मिल पाऊँगा तो क्या दोस्त रहा यार मैं। सो यार फिलहाल देखते हैं जिमीज बर्गर मिलते हैं या फिर क्या होता है। सो या बाय बाय। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। किधर है अपनी? भाई तो मत करेगा भाई, इसकी मैं डिटेल्स इतना दिख रहा ना मेरे को, शर्म आ रही है ब्लॉग करने। सोनी का सही है क्या? बहुत सही टाइम पे मिश्रा कंटेंट दिया भाई। Me lavas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad.
धोनी